आज है मेरा नेपाल ट्रिप की लास्ट डे। आज से ठीक 6 दिन पहले नेपाल ट्रिप की जर्नी स्टार्ट हुआ था कोलकाता की हावड़ा स्टेशन से। उसके बाद काठमांडू में 3 दिन बिताए, बहुत सारे प्लेसेस घूमे जैसे कि पशुपतिनाथ टेम्पल, चंद्रगिरी हिल्स, काठमांडू के कुछ हिस्टोरिकल प्लेसेस, नेपाल की नाइट लाइफ एंड देन हम लोग आ गए थे पोखरा। पोखरा में पहले दिन मैं गया था बंजी जंपिंग एंड पैराग्लाइडिंग के लिए एंड सेकेंड दिन बारिश में पोखरा की बहुत सारे प्लेसेस कवर किए। पता ही नहीं चला कैसे बीत गए ये 6 दिन। सो आज नेपाल के लास्ट वीडियो पर मैं कवर करने वाला हूँ पोखरा की और भी कुछ साइट सीन प्लेसेस एंड देन आज रात ही हम लोग घर वापस जाने की जर्नी स्टार्ट करेंगे। सो अगेन टर्न योर मोबाइल, मेक फुल स्क्रीन एंड एंजॉय दिस लास्ट एपिसोड ऑफ माई नेपाल टूर विथ मी थ्रू माई आईज। गुड मॉर्निंग इंडिया। सो आज मेरा पोखरा का लास्ट डे है। अभी टाइम हो रहा है सुबह के 9:30। 3 दिन से बारिश ही होता जा रहा है, लेकिन आज बारिश थोड़ा कम हो रहा है। क्लाउडी है चारों तरफ और व्यूज भाई होटल से बढ़िया, एकदम मस्त व्यू है। ठीक है, सुबह से बैठ के लगभग चाय वाय पी के मैं इस व्यू का ही मजा ले रहा था। सो कल तो हम लोग स्कूटी लेके रेनकोट पहन के अच्छे से एक्सप्लोर किए, लेकिन फिर भी कुछ प्लेस बाकी रह गया जो आज हम लोग कवर करने वाले हैं। बाय द वे, मुझे लगता है कि पोखरा में आप एक दिन एक्स्ट्रा रखिए, तब को और भी अच्छे से फील आएगा। पोखरा एक ऐसा जगह है ना जो नेचर ब्यूटी है। यहाँ पर आप ट्रेकिंग कर सकते हैं, यहाँ पर आप एडवेंचरस थिंग कर सकते हैं जैसे कि बंजी जंपिंग, पैराग्लाइडिंग, यहाँ पर आप साइट सीइंग कर सकते हैं, ऐसे लेक देख सकते हैं, वाटरफॉल्स देख सकते हैं, माउंटेन देख सकते हैं, क्या है नहीं भाई। शिव जी का टेम्पल मैं कल गया था वो भी देख सकते हैं, वाइल्ड फिश पगोडा स्तूपा है, मतलब भरे पड़े हैं देखने के लिए पोखरा। आज तो हम लोगों को ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड नहीं था, घर से बुक किया था इस होटल को 2 दिन के लिए। नीचे जाते हैं और जाके देखते हैं होटल में और क्या क्या आइटम्स है ब्रेकफास्ट करने के लिए और ट्राई करेंगे। ठीक है, नीचे जाने के बाद हम लोग आज कॉन्टिनेंटल ब्रेकफास्ट बुक किए थे जिसका चार्ज लगा था 380 नेपाली रुपीस। ऑलरेडी मैं आगे वीडियो पर बता चुका हूँ मेरा होटल का नाम है ऑक्टोबर इन, बट आज मुझे ये होटल नहीं लग रहा था। आंटी अंकल उनका पूरा परिवार सबका अपना पना अच्छे बिहेवियर्स का, वैसे लग रहा था कि मैं घर में ही हूँ। नेक्स्ट बार अगर कभी भी नेपाल में आऊँ तो इसी होटल में रुकूंगा। सो होटल से चेकआउट कर लिया, सामान सारे नीचे हम लोग रख दिए हैं, अभी जा रहे हैं स्कूटी लेके घूमने। उससे पहले एक काम है, आज रात हम लोग रक्सल जाने वाले, कल सुबह हम लोग का ट्रेन है, तो अभी जाके बस का टिकट के लिए कल मैं बात करके रखा था यहाँ पर लोकल टूर एजेंट से, तो मैं आप लोगों को भी दिखाऊंगा आप कहाँ से बस टिकट बुक कर सकते हैं, मैं फोन नंबर सब कुछ बता दूंगा। तो इसे हम लोग सब कुछ बुक कर रहे हैं और ये ज्यादा दूर भी नहीं है, हम लोग का होटल जस्ट यहीं पर है, इसी रास्ते से निकले और यहाँ तक आए। सो टूर एजेंट का नाम था एक्सप्लोरिंग नेचर एडवेंचर, ये सब लेक साइड रोड में पड़ेगा। हम लोग इसी टूर एजेंट के जरिए 1200 नेपाली रुपीस में रात के ठीक 7 बजे पोखरा टू बीरगंज के लिए बस बुक कर लिए एंड देन निकल गए आज की फर्स्ट साइट सीन प्लेस बिंदुवासिनी टेंपल के तरफ। बारिश थोड़ा कम हो रहा है लेकिन अच्छा लग रहा है, क्लाउड पूरा मतलब पहाड़ सब दिख रहा है। तो अभी पहुंच के बिंदुवासिनी टेंपल के सामने और यहाँ पर बारिश थोड़ा थोड़ा कम हो रहा था, इसलिए दोनों ही विशाल और मैं दोनों ही रेनकोट खोल डाला है। ठीक है, थोड़ा सा भीग लेते, कल तो बहुत भीगे थे, आज थोड़ा सा कम ही भीगते। कल से हर जगह सिर्फ सीढ़ियाँ ही चढ़ रहा हूँ भाई, हर जगह पर सीढ़ियाँ चढ़ना पड़ रहा है। सोच रहे जब बुढ़ा हो जाएंगे तब ऐसे सीढ़ी चढ़ के मंदिर नहीं जा पाएंगे, तो अभी कर लेते हैं सब। मंदिर के अंदर जाते ही सबसे पहले हम लोग दर्शन किए गणेश जी की एंड देन चले गए बिंदुवासिनी माँ की दर्शन करने। बेसिकली दुर्गा माँ को ही यहाँ पर बिंदुवासिनी रूप में पूजा दिया जाता है। ऐसा तो वीडियो करना अलाउ नहीं था बट माँ की आशीर्वाद के वजह से मुझे मौका मिला शूट करने का और आप लोग भी घर में बैठे बैठे माँ की दर्शन कर पाए। मंदिर की कंपास एंड स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत मुझे यूनिक लगा। सिर्फ बिंदुवासिनी माँ ही नहीं, यहाँ पर गणेश जी, राधा कृष्ण, सरस्वती माँ और भी बहुत सारे भगवान की पूजा दिया जाता है। बॉक्स में मैं इंडियन रुपीस डाल रहा हूँ। ठीक है, नेपाली रुपीस के अलावा मेरे पास इंडियन रुपीस था। हर हर महादेव। पूजा हो गया कंप्लीट, भगवान का दर्शन हो गया कंप्लीट, अभी चल रहा है। बहुत सारा अलग अलग से मंदिर बना हुआ है, बारिश गिर रहा है बहुत जोर से, अब जल्दी से फिर से रेनकोट लगाते हैं और चलते हैं नेक्स्ट
डेस्टिनेशन पर जो है महिंद्रा केव। अभी हम लोग पहुंच गए हैं महिंद्रा केव के सामने। ये पूरा बड़ा सा पहाड़ दिख रहा है आप लोग को, और आगे की तरफ है बैट केव, उस तरफ भी जाएंगे। स्कूटी मैंने पार्क कर दिया यहाँ पर। चाबी ना खो जाए इसलिए हर टाइम मैं इसको गले में लेके बांध रहा हूँ। टिकट प्राइस आप लोग देख रहे हैं महिंद्रा केव का, इंडियन टूरिस्ट के लिए 80 रुपीस, इंडियन में 50, नेपाली रुपीस में 80। केव के अंदर का जाने का मंदिर चले गए, पानी ऊपर से गिर रहा है ऐसे। हाय, हेलो हेलो। So, महिंद्रा केव के अंदर सिद्धि विनायक भगवान गणेश जी का मंदिर है। लास्ट तक आने के बाद आपको ऐसा एक मंदिर मिल जाएगा। केव के अंदर का तो एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया रहता है। इसके आगे भी एक और केव है बैट केव बोल के, मैं वहाँ पर जाता हूँ। वो थोड़ा टफ है, तो ये एकदम ईजी है, कोई भी आ सकता है जा सकता है। और पानी ऊपर से गिर गिर के ये बना है, डिज़ाइन बहुत बढ़िया बन गया है अंदर का। ठीक है, चलते अभी। सो फाइनली नेपाल में भी मुझे मिल गया सब्सक्राइबर, 2 सब्सक्राइबर। ठीक है, हम भी भैया को देख के अपना व्लॉगिंग चैनल शुरू किया है, बहुत इंस्पायर्ड है भैया से। क्या नाम है? फाइन ट्रेवल। फाइन ट्रेवल, ओके। एक बार भैया के साथ। हाँ, कोई बात नहीं। तो महिंद्रा केव तो हो गया, अच्छा लगा। अभी चल रहे हैं बैट केव की तरफ, यहीं से रास्ता जा रहा है। 500 मीटर है ओनली। चलिए तू कितने चलिए तू कितने चलिए। अरे भाई, बैट केव जा रहा हूँ। पहुंच गया बैट केव के गेट के सामने। बैट केव ही है। महिंद्रा केव में मिला था ना, आप हाई किए तो यहाँ पर भी मिला। बैट केव थोड़ा खतरनाक है, अंदर लाइट नहीं है, इसका यूज करके आपको जाना पड़ेगा। ठीक है, हालत खराब हो रहा है इसका। अरे भाई देख रहे हैं। हम लोग बैट केव के अंदर है, ऊपर बहुत सारे बैट है, बहुत बढ़िया लग रहा है। थोड़ा भूत भूत जैसा लग रहा है कि लाइट मार रहा हूँ मुँह के ऊपर। बजा हुआ है, इंजॉय बहुत हुआ इसके अंदर। अगर आप एजेड पर्सन हो तो मत आइए, थोड़ा टफ है, बट मजा आया। ठीक है, बहुत मजा आया। आस्ते 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 माथे पर लग जाएगा। आस्ते आ जाओ, आ जाओ। हाँ चलो, हो गया भाई, तुम तो सक्सेस हो गए। इधर देखो, इधर देखो, बोलो हो गया। सो ये बैट केव के बाहर में, यहाँ पर बहुत कुछ है घर में ले जाने के लिए। मुझे एक बैग पसंद आया, ये वाला हैंडमेड है, 1000 नेपाली रुपीस में पड़ता है। बहुत सारे टी-शर्ट भी है। तो इस शॉप पर विशाल ने थोड़ा मार्केटिंग किया, हम लोग 70 नेपाली रुपीस करके स्टीम मोमो ट्राई किए, एंड देन चले गए पूरे नेपाल ट्रिप की फेमस एंड लास्ट साइटसीइंग पॉइंट थेवालेक की तरफ। लेफ्ट साइड रोड जाना है, सीधा सीधा नीचे। धन्यवाद। थेवालेक में पहुंचने के बाद हमने देखा पानी बहुत ज्यादा बढ़ गया है, बट फिर भी तालवाराही टेम्पल के लिए बोटिंग चल रहा था। टिकट काउंटर में लाइन बहुत लंबा था, हमें लगा बोटिंग शायद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कुछ देर बाद ही हम लोग का ठीक 7 बजे रक्सल वापस जाने का टिकट बुक है। बट लकीली अराउंड 20 मिनट्स लाइन देने के बाद ही हमें मिला छोटे नाव का टिकट, 105 रुपीज पर पर्सन आने जाने का। तो विशाल बैठ चुका है, एकदम बढ़िया वाला। ऐसे बोट भी मिल रहा है, लेकिन अभी बहुत भीड़ है, लगभग 1 घंटा वेट करना पड़ेगा तब तक ऐसा बोट मिलेगा। तो हम लोग के पास टाइम है नहीं। और भाई दोस्त, तो भाई बहुत बढ़िया लग रहा है, अभी धमाकेदार व्यू है। बेसिकली फेयालेक की मिडिल में एक छोटा सा आइलैंड बना है, जहाँ पर एक टेम्पल है जिसका नाम है तालवाराही टेम्पल। ज्यादातर टूरिस्ट बोटिंग करके इसी टेम्पल को विजिट करने आते हैं।
हम लोग जब पहुंचे टेम्पल का गेट बंद था, इसलिए भगवान की पूजा नहीं दे पाए। यहाँ पर दिए जलाए, कुछ देर इस प्लेस को एक्सप्लोर किए एंड देन फिर से बोट करके वापस चले। मन तो कर रहा था यहाँ पर कुछ देर और टाइम बिताने का, बट बस बुकिंग के वजह से हम लोग जल्दी जल्दी वापस चले। ऐसे तो आप चाहे तो पूरे दिन यहाँ पर टाइम बिता सकते हैं, बोटिंग के लिए कोई टाइम बॉन्डिंग नहीं है। इसके बाद हम लोग होटल से सामान पिकअप किए एंड चले गए पोकरा की पृथ्वी चौक बस स्टैंड, जहां से हम लोग बस पकड़ने वाले थे। अराउंड 10 आवर्स जर्नी करने के बाद सुबह के ठीक 5 बजे हम लोग पहुंच गए थे बीरगंज की घंटाघर के सामने, और मुझे दिखा टंगा गाड़ी। इंडिया से नेपाल आने के टाइम मैं ऑटो कर गया था, बट अब सोचा 200 नेपाली रुपीज देके चलो थोड़ा टंगा गाड़ी करके बॉर्डर क्रॉस करने का मजा लेते। बट हर दिन बॉर्डर ओपन होता है सुबह के ठीक 6 बजे, सो लगभग आधा घंटा वेट करने के बाद हम लोग बॉर्डर क्रॉस किए एंड मेरे पास जितना भी नेपाली करेंसी था सारा मैंने एक्सचेंज कर लिया विद इंडियन करेंसी एंड देन फाइनली इंडिया एंटर करके पहुंच गए बिहार की रक्सौल स्टेशन। इस बार हम लोग स्टेशन की IRCTC फूड काउंटर से ब्रेकफास्ट करे एंड दोनों के लिए 2 पैकेट बिरयानी खरीद के ट्रेन में चढ़ गए वापस आने के लिए। बाय द वे, तो यहीं पर मैं खत्म करता हूँ मेरा फास्ट इंटरनेशनल ट्रिप नेपाल ट्रिप की जर्नी। इस वीडियो के बाद मैं एक नेपाल ट्रिप के टूर प्लान वीडियो अपलोड करूंगा, जहां पर आपको A to Z डिटेल्स मिल जाएगा नेपाल टूर के लिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद। और हाँ, अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज कर देना।